मेरा नाम है फुजिको एफ फुजियो। मुझे अपनी नई कॉमिक के लिए कोई आइडिया नहीं सूझ रहा और काफी नुकसान भी झेल चुका हूँ। यही बात तो परेशान कर रही है। नामुमकिन। आज भी कोई आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में। एक जीव ड्रॉर के अंदर से बाहर निकलता है, दरवाजे में रहने वाले सभी प्राणी, और अचानक हेलो हेलो, तुम कैसे हो? ना जाने कहाँ थे अब तक। चलो हम चलकर साथ में बेसबॉल खेलेंगे, सिर्फ हम दोनों। सातों सुर लगा दिया फिर भी दिक्कत। स्वागत है। काश के मेरे पास कोई टाइम मशीन होती तो मैं फ्यूचर में जाकर अपने ही आइडिया चुरा ले आता। अगर मैंने सच में कुछ बनाया हो तो काश वो टाइम मशीन अभी यहाँ मेरे सामने होती। Brought to you by Anime Team Dovers. सरेंडर करो क्रोस्टेन। इतने आसानी से हार नहीं मानूंगा, बहुत मेहनत से चोरी की है। तुम इस बार भाग नहीं सकते। ऐसे में तो हम पा भी जाएंगे। नहीं, सब ठीक है। I'm Ram. जाता है। शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। अरे तुम ही एक रोबोट के हो? हाँ, मेरा नाम डोरेमोन है। मेरा नाम है डोरा मियाको, मैं एक रोबोट डांसर हूँ। मैं अभी अभी पैदा हूँ।
पर कंफ्यूज हूँ। लगता है तुम बहुत ऊपर से गिरे हो। हम दोनों ही कैची रोबोट हैं, जब साथ मिलके इस समझ में एक अच्छा योगदान दें। ठीक है, अलविदा, बाद में मिलते हैं। इमरजेंसी, मुझे भी जाना होगा। तुम सब एक कैट रोबोट हो जिसे यहीं के एक सिविल वर्कर ने बनाया है लोगों की मदद के लिए, और यहाँ स्कूल में तुम कुछ सीखोगे जो एक रोबोट को सीखना चाहिए ताकि एक परफेक्ट रोबोट बन सके। ओके? मैं मेहनत करूँगा। पता नहीं तुम में क्या खराबी है जो ये सब हरकतें किए जा रहे हो। मुझे माफ कीजिए। तुम्हें एक ही जगह और एक ही तरीके से बनाया गया है, फिर भी तुम बाकियों से काफी अलग हो। या फिर तुम जब बन रहे थे तो तुमसे ही कोई स्क्रू गुम हो गया था, या फिर तुम कहीं सर के बल गिर गए थे। रोबोट्स जो बेकार और किसी काम के नहीं होते उन्हें डिस्पोज करने के लिए डिस्पोजल में भेज दिया जाता है। आखिरी डिस्पोजल? वो भी तुरंत। मजाक है। ऐसा मत कराइए। मुझे एक जगह पता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। लास्ट जो मुझे सूट होगी। जाओ। सॉरी, गलत रास्ता। इस तरफ जाओ। आज हमारे बीच एक नया स्टूडेंट आया है। टाइगर शेप्ड? मैं तो कैट शेप्ड हूँ। ये तो बेवकूफ लगता है। हे, लड़ो मत। तुम्हारा नाम क्या है? डोरेमोन। फिर? हाँ, डोरेमोन। डोरेमोन को। मुझे खुशी है, हम क्लासमेट हैं। ये आखिर है कौन और ये डोरायाकी को जानता कैसे है? ये डोरेमियाको को कैसे जानता है? डोरेमोन, क्या हुआ? जल्दी से तुम अपना 4D पॉकेट हमें दे दो। क्यों? तुम जैसे बेवकूफ इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। जल्दी जल्दी दो वो 4D पॉकेट। तुम हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दो। नहीं, बहस मत करो और वो दे दो हमें जल्दी 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 दो। बिल्कुल नहीं, रुक जाओ। हमारे पाले कर दो। कौन सा लेजेंड यूज करूं? स्मॉल फ्लाइट बैटरीज नहीं। हमने कहा था उसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। हाँ, ये काम आएगा। ये नहीं, ये भी नहीं। शुक्रिया। वो एक केमारी बॉल हेयन युग से लाया गया। हेयन पीरियड?
ग्रेजुएशन डे है, हम लोग अपनी कला दिखा सकते हैं स्कूल में। तुम इतने दुखी क्यों हो? पर मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरे पास कोई खूबी नहीं। ये सही नहीं है, तेरे मन के अंदर एक सबसे खास खूबी है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है, इसलिए खुश हो जा। वैसे तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। क्या सच में? मैं मजाक कर रही थी। ओह हाँ, ये पॉकेट एक भूतकाल से भी चीजें ला सकता है, इसे टाइम पॉकेट कहते हैं। ये देखो, ये केक 20वीं सदी से है, डोराया के। इसे खाओ और अपने सारे गम भूल जाओ। यम्मी। डिलीशियस। तुम जब भी कुछ करते हो तो उस काम में खो जाते हो। हमारे स्कूल के ग्रेजुएट रोबोट्स आप जल्द ही अपने समाज की मदद करवा पाएंगे। रोबोट टॉलीशन को पूरे देश में दिखाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए, आप अपने रिमोट पे ओके बटन प्रेस कीजिए, फिर आपको तुरंत ही शानदार रोबोट मिल जाएगा। तो अब हम सब शुरू करते हैं रोबोट सॉल्यूशन। आखिरकार ये शुरू हो ही गया। घबराहट। सबसे पहले रोबोट गनमैन डोरा जाकी। ये तो स्टेज को तबाह ही कर देगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें टाइम पेट्रोल के स्पेशल फोर्सेस में लिया जाता है। अगला रोबोट है डोरानी, ये एक अच्छा टैप डांसर। डोरानी का मुंह के आगे वाली चीजें देखे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे एलियन मूवी डायरेक्टर और फारत का अभिनय चला है। मेरा नाम है जेड्स। जेड्स की खूबी सिंगिंग है। होगी पर इतनी बुरी? डोरेमोन कुछ करो। हाँ हाँ, वो नोट करो सिंगिंग डबलिन। मेरा नाम है जेड्स। मेरी अगली बारी है, मुझे डर लग रहा है। कुछ करो डोरेमोन। राहत देने वाली चिड़िया। इसका असर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। स्टेज पे मत सो जाओ। थक गया। पर तुम दोनों सिलेक्ट हो गए, बढ़िया है ना? डोरेमिया को की टर्न है। ओए, अगली बारी तुम्हारी है। जल्दी जाना होगा। दिखा दो सबको। और अब आज का आखिरी रोबोट डोरेमोन, एक नैनी रोबोट। मेरा नाम डोरेमोन है। टॉय ड्रम बेबी के लिए। नहीं, ये तो थंडर ड्रम है। मैं आपके बेबी को टहलने ले जा सकता हूँ।
का झटका जोरों से लगा। रेगुलेटर मैक्सिमम पे था। प्यारे बेबी, प्यारे बेबी। माफ करना पर समय बीता जा रहा है। कोई मुझे पसंद नहीं करता। डोरेमोन। इसी के साथ रोबोट पॉल्यूशन खत्म हुआ। आखिरकार लगता है किसी छोटे बच्चे ने ही इसे चल लिया। डोरेमोन तुम पास हो। गलती से बटन प्रेस किया। ए, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? डोरेमोन। मुझे नहीं लगता रोबोट वापस करना अच्छा रहेगा। सेवशी को भी तुम पसंद हो। तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तुम सेवशी का ख्याल रखना। हाँ मैं रखूँगा। सेवशी तुमसे मिलके खुशी हुई। अगर मैं इस थ्री डायमेंशनल इमेज को देखूं, तो डोरेमोन की अच्छी स्टैचू बना सकता हूं। इसके कान अच्छे नहीं दिखते। हाँ, रोबोट हैंड एडिटर इसे ठीक कर देगा। रोबोट हैंड, क्या तुम डोरेमोन के कान ठीक कर पाओगे? डोरेमोन के कान इस तरह होने चाहिए। रुको रुको, स्टैचू को ठीक करना है। तो ये रोबोट चूहे की गलती है। चिंता मत करो, मैं इसे चुटकियों में ठीक कर दूंगा। वैसे भी कान सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। पर इसे ठीक करना होगा। मदद के लिए शुक्रिया। टेंशन मत लेना डोरेमोन, जल्दी से ठीक होना, चिंता मत करो। तो शुरू करते हैं। मैं बाहर वेट करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ डोरेमोन नाम के मरीज को देखने आई हूँ। इंतजार के सामने वाले कमरे में जाओ। सेवशी। डोरेमोन कैसे हो तुम? ये तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। तुम फ्री में रिपेयर हुए? बाय, मुझे कुछ काम याद आ गया। Brought to you by Anime Team Dubbers. अगर मैं इसे पीऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा।
अब ठीक लग रहा है। मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूँ? मैं इतना बेवकूफ क्यों? तुमने वो देखा क्या? वो छोटा सा बच्चा। हम उसे पकड़ लेंगे। वाह क्या आइडिया है। ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा पीछा किया तो बच्चा नहीं बचेगा। कितने बुजदिल हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। डोरेमोन। क्या हुआ? इंजन में कुछ फंस गया है। ये कौन सी जगह है इतनी गर्मी? तुम्हारा खेल खत्म। डोरेमोन। सेवासी। डोरेमोन। मैं बदल गया हूँ, तुम मुझे फिर भी पहचान पाए? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम पहले से भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू सेवासी। सब तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। चलो घर चले। मेरी पॉकेट कहाँ गई? डोरेमोन। शिवाशी हम तुम्हें लेने आ गए। डोरेमी। डोरेमिया को मुझे माफ करना डोरेमोन, इतनी जोर से हंसने के कारण मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। अब मुझे पता चला तुम्हें कैसा लगा था। तुम्हारा सर और अंत अब और भी अच्छा लग रहा है। क्या सच में? हाँ, तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी हो गई है। अब मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद हो। हैप्पी वाली एंडिंग। ये तुम्हारे लिए है डोरेमोन, मैंने अपने हाथों से बनाया। थैंक यू सेवाशी, पर मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए डोरेमोन। तुम मेरे दोस्त हो, ये मेरे लिए गिफ्ट से कम नहीं। ये हम हमेशा दोस्त रहेंगे डोरेमोन। सेवाशी केक ले
कौन है? मैं नहीं रुक सका। इसमें डोरा केक्स भी है। डोरेमोन, तुम सच में कमाल हो। तुमने टाइम पुलिस की मदद की गुंडों को पकड़ने के लिए। तो इस तरह के काम के लिए ही हमने सेम तरह के रोबोट बनाए हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं, मिनी डोरा। मिनी डोरा। और इसके साथ ये रहा तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट, नया जादुई पॉकेट। थैंक यू प्रिंसिपल। तो अब जब ये तुम्हारे पास आ गया है तो जल्दी हमारे लिए कोई गैजेट निकालो। ये सेलिब्रेशन सीड्स। कुछ अजीब तो नहीं है? नहीं राम, नहीं जूस। तो मैं पी सकता हूँ? तो सब बोलो चीयर्स। इसके बाद मैं पास में चला गया सेवाशी के कहने पर, उसके दादाजी के पास जिनकी किस्मत बहुत खराब है, नोबिता नोबी, तुम्हें मदद करने के लिए। सेवाशी ने तुम्हें मेरा क्रिसमस गिफ्ट बन के भेजा है। अरे ये क्या? सपना था। आखिरकार मुझे कोई आइडिया नहीं आया। बकवास। अरे वाह, कॉमिक जिसमें एक रोबोट भविष्य से आता है एक बेवकूफ लड़के की मदद करने के लिए। हाँ यही सही रहेगा। रोबोट छोटे पैरों और कोई शरीर वाला जिसके पास कई सारे भविष्य के गैजेट्स होंगे, और उसका नाम वो होगा डोरेमोन। Doraemon!